हेलो फ्रेंड्स, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इटैक्स हेल्पलाइन पर, और मैं आपका दोस्त और होस्ट सीए मोहित गुप्ता। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कल 14 नवंबर को जीएसटी डिपार्टमेंट ने जीएसटी रूल्स अमेंड कर दिए हैं, और उस अमेंडमेंट के साथ साथ फाइनेंशियल ईयर 17-18 की एनुअल रिटर्न और रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट मींस जीएसटीआर 9 एंड जीएसटीआर 9C की डेट बढ़ाकर 31 दिसंबर 2019 कर दी है। साथ के साथ फाइनेंशियल ईयर 18-19 की जीएसटीआर 9 एंड 9C की डेट बढ़ाकर 31 मार्च 2020 कर दी है। जब मैं 9 कहता हूँ उसका मतलब 9 एंड 9A भी है, मींस कंपोजिशन डीलर के लिए जो हम एनुअल रिटर्न भरते हैं उसकी भी डेट साथ के साथ बढ़ी है। तो दोस्तों, सबसे पहले समझने की बात यह है कि कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट इवन लेटली ये रियलाइज कर रहा है कि जीएसटीआर 9 और 9C के अंदर शायद कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस हैं जो प्रैक्टिकली बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं बिकॉज ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, और ये शायद डिपार्टमेंट अगर 6 महीने पहले अगर इन चीज़ों को सिंप्लीफाई कर देता तो डेट दोबारा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और कहीं ना कहीं हम 17-18 को क्लोज कर चुके होते और 18-19 की तरफ बढ़ चुके होते। हमारे सारे प्रोफेशनल भाई, इवन द कंपनीज, दे ऑल नोज कि 17-18 का डाटा लेके बार बार उस पर वर्किंग करना, क्योंकि अभी हम फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में चल रहे हैं, बड़ी ही टाइडी एक्सरसाइज है। एंड वी हैव टू कीप पेशेंस बिकॉज दिस जीएसटी इज़ ए न्यू लॉ एंड एवरीवन नोज इट इज़ ए वेरी ह्यूज चेंज। सो चेंज जब जब होता है तो कहीं ना कहीं चीज़ें इफेक्ट होती हैं, एंड वी हैव टू बी पेशेंट एंड वी हैव टू कोऑपरेट द सिचुएशन अलोंग विद गवर्नमेंट एज वेल एज द इंडस्ट्री। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो जीएसटी के रूल्स अमेंड हुए हैं, जो सीजीएसटी रूल्स अमेंड हुए हैं 14 नवंबर 2019 को, उन रूल्स में जीएसटीआर 9 और 9C के रिगार्डिंग में क्या चेंजेस हैं। तो उन रूल्स में सबसे पहले जो चेंज हुआ है वो RFD 01 रिफंड एप्लीकेशन के रिगार्डिंग में हुआ है। जितने भी इनेक्स्टर्स जो रिफंड एप्लीकेशन में लगते हैं, अलग अलग वैरायटी ऑफ रिफंड एप्लीकेशन के लिए, उनमें चेंजेस हुए हैं, उनकी स्टेटमेंट्स चेंज हुई हैं, उनमें कुछ माइनर चेंज हुआ है, वो हम सेपरेटली डील कर सकते हैं डिटेल्ड वीडियो के थ्रू। अभी हम डिस्कस करेंगे कि जो जीएसटीआर 9 और 9C में क्या क्या चेंज हुए हैं। तो उसके लिए इन फॉर्म जीएसटीआर 9 इन टेबल 8C बिफोर द लेटर वर्ड ITC ऑन इनवर्ड सप्लाईज द वर्ड लेटर फिगर फॉर फाइनेंशियल 17-18 शैल बी रिप्लेस। सो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि 8C के अंदर जो हम लोगों से ITC ऑफ इनवर्ड सप्लाईज मांगी जा रही थी, अब उसकी जगह ITC ऑफ फाइनेंशियल ईयर 17-18 हम लोगों से मांगा जा रहा है, मीन्स पूरे 17-18 में जो हमारा फाइनेंशियल ईयर में ITC बना था उसके रिगार्डिंग। जो ITC का बाइफर्केशन मैं पहले दे रहा था, ITC फ्रॉम सर्विसेज, ITC फ्रॉम गुड्स, ITC फ्रॉम कैपिटल गुड्स, अब उन तीनों का मर्ज करके सिर्फ ITC बना दिया गया है। फिर आफ्टर द एंट्री एंडिंग इन द वर्ड एंड फिगर April 18 टू March 19 फॉर फाइनेंशियल 18-19 द ITC ऑन इनवर्ड सप्लाईज अदर देन इम्पोर्ट एंड इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू RCM बट इंक्लूड सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम SEZ रिसीव ड्यूरिंग फाइनेंशियल 18-19 बट अवेल ड्यूरिंग April 19 टू September 19। तो यहाँ पे समझने की बात ये है दोस्तों, ये दोस्तों इस तरीके से है कि जो पहले हमारा एनुअल रिटर्न बना था वो शायद ये सोच के बना था कि ये सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए है, लेकिन अब जो एनुअल रिटर्न नया बना है आफ्टर दिस अमेंडमेंट, ये फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 दोनों के लिए है, क्योंकि जो क्लोज 8 है, जो पॉइंट 8 है हमारा, जो सीरियल नंबर 8 है, वो है डिटेल्स ऑफ ITC फॉर द फाइनेंशियल ईयर। उसके 8C में हम ये डिक्लेयर करते हैं कि हमने ITC जो 17-18 का था वो 18-19 में, मींस अगले साल 6 महीने तक जो हमने ITC प्रीवियस ईयर का अवेल किया उसकी हम डिटेल देते हैं। तो पहले वो कॉलम सिर्फ 17-18 के लिए था, अब वो 17-18 और 18-19 उसमें दोनों का रेफरेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एक तो ये अमेंडमेंट हुई है। इसके बाद इन पॉइंट 5 बिफोर द वर्ड पर्टिकुलर्स ऑफ द ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल, यहाँ पे मतलब कहने का मतलब ये है कि जहां जहां फाइनेंशियल ईयर 17-18 था वहां 17-18 और 18-19 साथ में कवर कर दिया गया है, और जहां नेक्स्ट ईयर के 6 महीने थे वहां अब 18-19 के साथ साथ 19-20 भी, April 19 से September 19 भी कवर कर दिया है। तो एक तो ये चेंज हुआ है कि फॉर्म अपग्रेड हो गया है, वो 2 सालों के लिए बन गया है। देन
जो HSN समरी थी जो हम आउटवर्ड सप्लाईज और इनवर्ड सप्लाईज की देते थे, तो HSN समरी जो आउटवर्ड सप्लाईज की थी और जो इनवर्ड सप्लाईज की थी, जो पहले मैंडेटरी थी 1.5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए और 1.5 करोड़ से नीचे वालों के लिए ऑप्शनल थी, वो सभी के लिए ऑप्शनल बना दी है। सो जो मेजर चेंज हुआ है वो यही हुआ है कि जो एनुअल रिटर्न पहले सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 17-18 के अकॉर्डिंग ड्राफ्ट की गई थी, वो 17-18 और 18-19 के अकॉर्डिंग ड्राफ्ट कर दी गई है। उसमें हर जगह इस तरीके से इन्फॉर्मेशन डाल दी गई है कि आप उसको 17-18 और 18-19 दोनों सालों के लिए भर सकते हैं। दूसरा, इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो हम बाइफर्केशन दे रहे थे इनपुट्स में, इनपुट सर्विसेज में और कैपिटल गुड्स में, अब उसका बाइफर्केशन नहीं देना, अब सिंगल इनपुट्स का मेरे को इन्फॉर्मेशन देना है कंसोलिडेट करके। तीसरा, HSN समरी, जो HSN समरी इनवर्ड सप्लाईज और आउटवर्ड सप्लाईज की थी अब वो ऑप्शनल हो गई है। तो कहीं ना कहीं आप पाओगे कि एनुअल रिटर्न के अंदर जो सबसे बड़ा हेडेक था HSN सप्लाई, खासकर परचेज का, क्योंकि सेल्स की तो मैक्सिमम लोग अपने GSTR 1 के थ्रू डिक्लेयर कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं हेडेक आपका कम हो गया है। सेकेंड, जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो बाइफर्केशन था, जो बाइफर्केशन आप पहले बनाने में सक्षम नहीं थे, जो जिसमें प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि कभी भी इस तरीके से शायद लोगों ने रिकॉर्ड्स बनाए ही नहीं थे कि कैपिटल गुड्स का अलग, इनपुट टैक्स क्रेडिट, सर्विसेज का अलग, गुड्स का अलग, तो उस तरीके से शायद फर्स्ट ईयर होने की वजह से एवरीवन वाज फेसिंग द प्रॉब्लम, तो वो एक कॉम्प्लिकेशन अब आपकी कम हो गई है। इसके अलावा फॉर्म्स में बड़े सारे चेंजेस हुए हैं। मेजर चेंजेस वही हैं कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 को साथ ध्यान में रखते हुए चीज़ें इंसर्ट की गई हैं, तो वो आपके साथ के साथ अब ऐड हो गई हैं। इसके बाद अगर हम जाते हैं आपके रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की तरफ, जो GSTR 9C है, तो 9C के अंदर बेसिकली तो दो मेजर चेंज हुए हैं। पहला, कैश फ्लो का, जो बहुत बड़ी मिस्टेक थी, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे भी डिस्कस किया जा रहा था कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है जी, वो हर किसी के लिए मैंडेटरी होती नहीं थी, अब ये GST ऑडिट में कैश फ्लो मांग रहे हैं, मैंडेटरी अटैचमेंट में मांग रहे हैं, अब हम क्या करें, फ्रेश कैश फ्लो बनाएं, SSC को बोले कैश फ्लो बनाएं, या उसका डिस्क्लेमर दें, या क्या करें। तो अब उस पर क्लैरिफाई हो गया है कि कैश फ्लो आपको तभी लगाना है व्हेन इट इज अवेलेबल, मींस किसी ना किसी लो में अगर कैश फ्लो बनाना मैंडेटरी है तो आपको कैश फ्लो लगाना है साथ में, अगर मैंडेटरी नहीं है तो आपको डाल देना है इट इज नॉट अवेलेबल, इट इज नॉट मैंडेटरी। दूसरा, आपको पहले ट्रू एंड करेक्ट रिपोर्ट देनी थी एज एन ऑडिटर, जो जितने भी हमारे CA भाई हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं, उन सभी को ट्रू एंड करेक्ट रिपोर्ट जो देनी थी, अब वो रिपोर्ट ट्रू एंड फेयर हो गई है। सो ट्रू एंड फेयर का मतलब यही है कि दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग 100% एक्यूरेसी, बट इट शुड बी फेयर एनफ। आपने अपने सारे ऑडिट प्रोसीजर फॉलो किए हों, सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आपने फॉलो किए हों, सारे लीगल पैरामीटर्स आपने चेक किए हों, आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो और आपने सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर ऑडिट किया है, सो उसे ट्रू एंड फेयर माना जाएगा। लेकिन 100% एक्यूरेसी अब डिपार्टमेंट आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता, लेकिन जो प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से आपको जो चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, जो आपको करनी चाहिए, वो आपको सारी करनी है। इट डजंट मीन कि आप लीनियंट हो जाए, नहीं, गवर्नमेंट इज वेरी क्लियर इन दैट। रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं है, ऑडिटर से कोई ज़्यादा कमेंट नहीं मांगे जाते, वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि जो टैक्स पे करना बनता था और जो पे किया, क्या वो सेम है। और कहीं भी अगर लिटिगेटिव एस्पेक्ट आता है कि SSC का व्यू कुछ और है, डिपार्टमेंट से कॉन्ट्रेरी है, कोई लिटिगेशन चल रही है, या SSC लिटिगेशन में जाना चाहता है, या आपका व्यू SSC के व्यू से, टैक्स पेयर के व्यू से डिफरेंट है, तो आप अपनी रिपोर्ट में जरूर उसको मेंशन कीजिए, ताकि कल के दिन डिपार्टमेंट को पता लग सके कि टैक्स पेयर का क्या स्टैंड था किसी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन के ऊपर, और आपका क्या स्टैंड था, और फिर देन डिपार्टमेंट का उसके ऊपर क्या स्टैंड होगा। इसके अलावा GSTR 9C में और कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है, बेसिकली इसी का चेंज था, और इस नोटिफिकेशन के अंदर GSTR 9 और 9C के रिगार्डिंग में यही आया है। तो अब आपके पास थोड़ा सा और टाइम मिल गया है, अभी तक डिपार्टमेंट की यूटिलिटी अपडेट नहीं हुई है, होप डिपार्टमेंट जल्दी से अपनी ऑनलाइन यूटिलिटी 9 और 9C को अपडेट कर दे, ताकि लोग नए फॉर्म के अंदर रिटर्न भरनी स्टार्ट कर सकें। सो इट इज़ एडवाइजेबल कि अगर आपकी रिटर्न एनुअल रिटर्न और GST ऑडिट रेडी टू फाइल है, आप फाइल कर सकते हैं, लेकिन अगर वो विद इन द प्रोसेस है, देन इट इज बेटर कि आप अपनी एक्सरसाइज करते रहिए, नए फॉर्मेट का वेट कीजिए और फिर नए फॉर्मेट में उसको फिल करके अपलोड कर दीजिए। डेट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 31st of December, बट इट इज बेटर कि आप अपना जितना जल्दी फाइल करेंगे, उसके बाद आपको 18-19 के लिए उतना ही ज्यादा टाइम मिलेगा। विद दिस वी कंक्लूड अवर वीडियो। आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी सजेशंस हैं,
आप यू कैन आपका कोई भी सुझाव है आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।